ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है नोडिक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी A51 के बारे में। वेल एज यू नो, यहाँ पर अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सैमसंग का जो गैलेक्सी A50 है, सैमसंग ने इस स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉयड 12 और One UI 4.1 का जो अपडेट है वो इंडिया के अंदर रिलीज़ कर दिया है। ऑल्दो वहाँ पर कुछ सैमसंग ने मेंशन नहीं किया हुआ था लाइक कौन सा अपडेट है, जस्ट 2 GB की फाइल थी एंड April 2022 का सिक्योरिटी पे लेवल था। तो ये मतलब सैमसंग ने कुछ यूनिक सा ही काम करा है। बट बाय द वे, यहाँ पर अपडेट का जो रिव्यू है वो आपको आज शाम की वीडियो में मिल जाएगा शायद से। एंड यहाँ पर उससे पहले मैं एक मैसेज प्रोवाइड कराना चाहता था सभी यूज़र्स को, जो A51 के यूज़र्स हैं जिन्होंने अपडेट कर लिया है। उनका तो भाई कुछ कह नहीं सकते, उनको तो अपडेट का मतलब नेक्स्ट अपडेट का वेट करना ही पड़ेगा। बट जिन लोगों ने अपडेट नहीं करा है तो अभी वो लोग बिल्कुल भी अपडेट ना करें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर जो सैमसंग का A50 है इसके अंदर मेरे को 3 ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स लगी हैं जो कि आपके लिए वर्थ हो सकता है। और अगर आप मतलब इन प्रॉब्लम्स को लेकर के ध्यान दे, अगर इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो फिर आप अपडेट कर लेना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर जो इसका कैमरा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन कर दी गई है पहले के कंपैरिजन में। यानी कि जो पहले कलर्स पिक करता था, कितने विविड कलर पिक करता था, वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। साथ ही में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही है डे लाइट कंडीशन में भी, मतलब दिन में भी अगर आप फ़ोटो कैप्चर करते हो तो वहाँ पर भी काफ़ी नॉइज़ आ रही है। अगर आपका कोई ब्लैक पोर्शन है, लाइक आप ब्लैक शर्ट में खड़े हो और आपने फ़ोटो कैप्चर किया है, तो वहाँ पर जो है ग्रेन्स होंगे कुछ, मतलब अजीब सी मतलब होता ना नॉइज़, वो चीज़ है। इसके अलावा स्लो मोशन के अंदर आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सैमसंग के स्मार्टफोन में कॉमन सा हो गया है। मतलब नॉर्मली आपको सैमसंग के हर तीसरे स्मार्टफोन के अंदर स्लो मोशन के अंदर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले हैं एंड्रॉयड 12 के अंदर, तो अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। ऑल्दो यहाँ पर One UI 4.1 दिया गया है जो कि 4.0 के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर, एफिशिएंट है और ऑप्टिमाइज्ड है, बट स्टिल यहाँ पर भी हमें फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले हैं। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है जिसको कि आपको अपडेट नहीं करना चाहिए अगर आप कैमरा एंथुजियास्ट पर्सन है तो। और तीसरा यहाँ पर परफॉर्मेंस की रिगार्डिंग है, डिवाइस बहुत ही जल्दी हीटअप हो रहा है। ऑल्दो परफॉर्मेंस अच्छी है पहले के कंपैरिजन में, बट डिवाइस हीटअप हो जाता है। अब ये क्या होता है ना, जब से आपका डिवाइस हीटअप होगा तो फिर आपका जो परफॉर्मेंस है वो नीचे चलने लगती है। अब ये चीज़ जो है समर के अंदर ज़्यादा कॉमनली ज़्यादातर होती है क्योंकि एक्जिनोस प्रोसेसर्स हैं, बट यार वो एक्जिनोस समझ आता है। बट A52 के अंदर तो हमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट वहाँ पर भी हीटिंग इशू है। तो ये एक चीज़ है जो कि एंड्रॉयड 12 और One UI 4.1 के अंदर सैमसंग ने दी है। यहाँ पर मैं आपको एक काफ़ी अच्छा और बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूँगा सैमसंग के S22 सीरीज़ का। यहाँ पर आपने देखा होगा सैमसंग के S22 सीरीज़ जो इंडिया के अंदर में देखने को मिलती है 888 या फिर आप कह सकते हो स्नैपड्रैगन Gen 1 जो प्रोसेसर वो देखने को मिलता है। बट अगर आप स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो आपको कहीं से भी फील नहीं होने वाला है कि वो Gen 1 प्रोसेसर है, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा हीटअप होता है, इतना ज़्यादा मतलब हीट हो रहा है वो स्मार्टफोन एज़ कम्पेयर टू अदर Gen 1। तो यहाँ पर एंड्रॉयड 12 की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पर कि आपका जो डिवाइस है वो नॉर्मली यूज़ करने में भी हीट होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक ही रीज़न है, अगर आपको अपने डिवाइस को एफिशिएंट रखना है, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए अपडेट मत करना किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पर हीटिंग इशू नॉर्मल हो रहा है सैमसंग के स्मार्टफोन्स के अंदर, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी है One UI 4.1 या 4.0 यूज़ करने की, तो फिर आप कर सकते हो। बट इतना ध्यान रखना है कि आपकी डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाएगी एंड इससे जो है आपकी बैटरी लाइफ पर भी कहना कहीं फ़र्क पड़ता है। बैटरी लाइफ पर इतना कुछ फ़र्क नहीं लगा है मुझे A51 के अंदर, बट स्टिल मैं आपको जो है बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इन सारी चीज़ों को देखते हो आप जो है अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। यही था आज की इस वीडियो में, होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे अगली इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।